टू माई चैनल दोस्तों ताजा सफर, और आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो कि है मजनू का टीला का। दोस्तों इस जगह की सबसे प्यारी चीज बताऊँ, आप यहाँ पे अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भी आ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो फेमस है वो है यहाँ की तिब्बत मार्केट और यहाँ के कैफेज। बहुत ही यूनिक यूनिक चीजें आप लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे खा पी सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ की आपको सबसे खास चीज बताऊं तो यहाँ पे पास में ही सिग्नेचर ब्रिज जो कि बहुत सुंदर दिखता है, और वहाँ पे जाके आप लोग जो है सीन का बहुत ही अच्छा सा आनंद उठा सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप मेरे पीछे का सीन तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे आके आप लोग शांति से कुछ टाइम व्यतीत भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारे से ब्लॉग को, चलिए मेरे साथ। सो मजनू का टीला जाने के लिए आपको येलो लाइन की मेट्रो लेनी होगी और समय बुरपादली की, और आपको विधानसभा जाना होगा मेट्रो से। और विधानसभा पहुंचने के बाद आप वहां से ई रिक्शा ले सकते हैं, और ई रिक्शा लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का पुल मिलेगा। इस पुल को क्रॉस करके आप दूसरी साइड तिब्बत मार्केट जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का तिब्बत मार्केट का गेट है। इसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पर अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। सो एंट्री करते ही आपको कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों की शॉप मिल जाएगी यहाँ पे, और ये देखिए। इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं मॉनेस्ट्री की तरफ। सो मॉनेस्ट्री में आप लोग प्रेयर्स वगैरह कर सकते हैं, और कुछ इस तरह के प्रेयर व्हील्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने ट्राई किया यहाँ का स्पेशल लाफिंग, जो यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ के स्ट्रीट फूड तो ज़रूर ही ट्राई करें। तो देखिए दोस्तों ये लाफिंग बन रहा है और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खाने के बाद मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ कि कितना अच्छा है। और इसको कुछ इस तरह पीस में कट करके दिया जाता है, और ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लाफिंग है। आज हम आए हैं मजनू का टीला, और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी खाने पीने की चीज़ें और बहुत ही अच्छे अच्छे कैफेज। साथ ही हम आपको दिखाएंगे सिग्नेचर ब्रिज। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं। अभी हम कुछ यूनिक चीज़ें खाने आए हैं। पीछे है हमारे टोर्नेडो और कॉर्न डॉग है। कॉर्न डॉग नॉन वेज होता है, और जो टोर्नेडो है वो वेज होता है आलू का। और काफ़ी अच्छे प्राइजेस हैं, प्राइजेस मैं आपको बता दूंगी अभी हर चीज़ के। और ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी मार्केट है, काफ़ी मज़े आ रहे हैं। इसके बाद अभी हम जाने वाले हैं पूल कैफे। सो दोस्तों ये देखिए टोर्नेडो रेडी हो चुका है, और इसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, और खाने में तो बहुत ही प्यारा लगा हमें ये। और तिब्बत मार्केट के एंड में कुछ इस तरह का पार्क भी है, जहाँ पे आप लोग जो है थोड़ी तो ये शांति से बिता भी सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिले छोटा सा प्यारा सा दूर। सो दोस्तों देखा आपने अभी तक हमने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखी हैं, और मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में क्योंकि हम अभी पहुंचने वाले हैं पूल कैफ़े, जो कि यहाँ की सबसे फेमस जगह है। ऑल द फेमस तो ये पूरी तिब्बत मार्केट ही है, बट पूल कैफ़े और भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो बहुत सुंदर है। देखो सीला कैफे, मीला कैफे, काफी चीजें हैं। नहीं बाहर निकल सकता है ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कैफे है ये। चुके हैं पूल कैफे, और फाइनली इतनी दूर चलने के बाद दोस्तों पूल कैफे मिल ही गया। मतलब अप्रॉक्स 200-300 मीटर हमें चलना पड़ा, और बाहर से तो ये काफी सुंदर सा दिख रहा है। चलिए देखते हैं अंदर इसके क्या है। तो हम पहुंच चुके हैं पूल कैफ़े, और काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ का। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूल, और यहाँ के कॉस्ट्यूम्स वगैरह का जो प्राइस है
वो भी मैं आपको बता दूंगी दोस्तों। बहुत अच्छे प्राइस हैं यहाँ के, मतलब काफ़ी रीजनेबल हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में आप लोग जो है यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस प्यारे से पूल में, चलो। सो दोस्तों इस कैफ़े की सबसे जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे पूल है और ऊपर की तरफ डाइनिंग एरिया है। तो सर चलिए सबसे पहले आपको डाइनिंग एरिया दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूल और उसके बारे में जानकारी देते हैं, अदरवाइज़ आप पूल में ही रह जाएंगे। सो दोस्तों कुछ इस तरह का डाइनिंग एरिया है यहाँ का और यहाँ पे आपको इंडियन, चाइनीज़, तिब्बतन सारी तरह के फूड्स मिल जाएंगे और अप्रॉक्स जो कॉस्ट आएगी खाने की वो 1500 पर पर्सन आती है ड्रिंक वगैरह मिला के, तो काफ़ी अच्छा है और म्यूज़िक वगैरह भी चलता रहता है यहाँ पे लाइव। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पूल की तरफ। सो दोस्तों कुछ इस तरह का पूल है यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा है और इसमें बाइफर्केशन भी है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और इसके जो प्राइस हैं वो 300 पर पर्सन है फॉर 1 आवर एंड कॉस्ट्यूम के जो प्राइस हैं वो 100 फॉर लेडीज़ और 50 फॉर जेंटलमैंस हैं इंक्लूडिंग टॉवल्स। तो आप लोग जो है यहाँ पे पूल में आके काफ़ी अच्छे मज़े कर सकते हैं, लाइव म्यूजिक सुन सकते हैं और साथ ही यहाँ पर खाना खा सकते हैं, है ना, काफ़ी अच्छी जगह। साथ ही यहाँ कुछ इस तरह के मैट मिलते हैं जो तैरने के काम आते हैं, मतलब ये पकड़ के आप लोग जो है आगे सपोर्ट ले सकते हैं और पीछे सिर्फ आपको पैर चलाना होता है। नज़ारा काफ़ी अच्छा है, पूल वगैरह भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। पीछे अगर आप मेरे देखोगे तो ये देखे कितना मतलब अच्छा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर आप लोग हुक्का वगैरह ले सकते हैं, सिगरेट वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पीछे का आप नज़ारा देखोगे तो कितना अच्छा है। ये देखिए बालकनी में मैं खड़ी, और ये देखिए दोस्तों मेरे दोस्त। दोस्तों अब हम जा रहे हैं सिग्नेचर कैफ़े और चलिए। सो कुछ इस तरह की एंट्री है सिग्नेचर कैफ़े की, यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग में 3 कैफ़ेज़ हैं, सिग्नेचर कैफ़े एंड देन अदर 2 कैफ़ेज़, क्योंकि सिग्नेचर कैफ़े से हमें सिग्नेचर ब्रिज देखना है तो वो सबसे ज़्यादा टेरेस पे है, तो हमें जो है 5th फ्लोर पर जाना होगा लिफ्ट लेके। और कैफे है दोस्तों 5th फ्लोर पे और हम अभी 5th फ्लोर पे जा रहे हैं। 14th फ्लोर एक बार। सो फाइनली हम सिग्नेचर कैफे पहुंच गए दोस्तों और यहाँ पे अभी वेटिंग चल रही है, तो चलिए देखते हैं तब तक आसपास क्या है इसके। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग रिव्यूज दे सकते हैं सिग्नेचर कैफे का, यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने कितने सारे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं और अपने रिव्यूज़ लिख के यहाँ पे इस तरह यहाँ से कुछ इस तरह के पिन से यहाँ पे चिपका सकते हो, तो काफ़ी अच्छा कैफ़े है। अभी तो फ़िलहाल वेटिंग चल रही है, हम लोग वेट कर रहे हैं, फ़िलहाल चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ का व्यू एटलीस्ट। और दोस्तों एंट्री करते ही मैं ढूंढ रही थी सिग्नेचर ब्रिज कहाँ दिखेगा, और ये देखिए दोस्तों यहाँ से दिख रहा है हमें सिग्नेचर ब्रिज, और अभी हम बैठ के करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिनर और उसके बाद हम रात का नज़ारा देखेंगे सिग्नेचर ब्रिज का। और यहाँ लाइव म्यूज़िक के साथ काफ़ी प्यारी लाइट्स भी लगी हुई हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हाफ एन आवर वेट करने के बाद फिलहाल हमें सीट मिल चुकी है सिग्नेचर कैफे में, और ये देखिए मेरे पीछे का व्यू आपको दिखेगा, बहुत ही प्यारा सा है, आपको सिग्नेचर कैफे दिख रहा होगा ऊपर थोड़ा थोड़ा, और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, मतलब थोड़ी थोड़ी म्यूजिक चल रही है और ओपन है भी ऐसे, काफ़ी अच्छे डिशेज भी हैं यहाँ के, तो चलो आपको दिखाते हैं डिशेज वगैरह। सो दोस्तों शाम हो गई है और थोड़ी देर में सिग्नेचर ब्रिज का बहुत ही अच्छा व्यू दिखने वाला है, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, और फिलहाल यहाँ के कैफ़े का व्यू देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा और कितनी अच्छी वाइब से भरा हुआ है ये नज़ारा। और ये देखिए मतलब एक टेरेस पे जो इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है, बहुत ही यूनिक आइडिया है इनका, बहुत ही अच्छा आइडिया है, और ये लिखा हमें सिग्नेचर कैफ़े।
वैसे सिग्नेचर कैफे से हम लोग आ चुके हैं, बट अभी हमने वैसे कोई रिव्यूज नहीं दिए, बट कुछ खास नहीं है, सिर्फ वो जो सिग्नेचर ब्रिज है ना वही सब कुछ है यहाँ पे। और दोस्तों अभी हम एंटर हुए हैं एक बहुत ही प्यारी सी शॉप पे, जो कि मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ें आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जैसे लाफिंग बुद्धा और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ वगैरह हैं। ये देखिए कितने प्यारे हैं ये लोग, बुद्धाज वगैरह। और ये देखिए और दोस्तों जाते जाते एक बार फिर लाफिंग ट्राई करने का मन किया। ये ड्राई लाफिंग है, और ये जो लाफिंग है ना वो आपको सिर्फ तिब्बत मार्केट में ही मिलेगा। और यहाँ पे मिल रही है थोड़ी सी जो है कैंडीज़ वगैरह, और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी कैंडीज़ है जो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो।